गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो बच्चों, आज हम मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे हिंदी के वर्ग से, जो कि स्वर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें ई और ई, ये जो दो स्वर हैं, ये अभी आपके रहते हैं। और ऋषि हम अभी नहीं करेंगे, ये आप नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। तो बच्चों, इसकी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अ आ इ ई ओ ऊ र ऋषि ए ए ओ औ अंग से अंगूर और अंगा खाली। तो बच्चों, इसकी मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी आपको। अ से अनार, आ से आलू, ई से इमरती, ई से ईक, ये भी हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। उ से उड़न खटोला, ऊ से ऊंट, ए से एक तारा, ए रावत, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। आज हम करेंगे अंगा, जो कि इसको भी हम इस मात्रा को भी यूज करते हैं। जैसे प्राता, तो ये जो टू डॉट हैं, इसको हम लगाते हैं प्राता, नमा, अता, इसमें हम इस मात्रा को भी यूज करते हैं। ये स्वर हैं, इसमें मात्राएं आती हैं। जब आप एक शब्द बनाते हो तो उसमें हम इन मात्राओं को यूज करते हैं, तो उससे वो पूरा शब्द बन जाता है। जैसे अंडा, नाक में बोलेंगे तो ऊपर बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु, है ना। तो ऐसे ही सारे शब्द बनते हैं इनसे। तो बच्चों, अभी मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगी। अ से अनार, आ से आलू, ई से इमरती, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से उदबिलाव, र ऋषि अभी हमने नहीं किया है, ये अभी हमारे रहते हैं, ये नेक्स्ट ईयर आप करेंगे, आप नर्सरी में नहीं करेंगे। ए से एरी, ए से एनक, ओ से एकता, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। ये आज हम करेंगे। और इसको जो ये टू डॉट हैं, ये एक तो चंद्रबिंदु ऊपर आता है, जब हम नाक में बोलते हैं तो ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा। इनको जो ये टू डॉट हैं, इनको हम यूज करते हैं प्रातः, जैसे हम लिखेंगे प के पैर में र, आ की मात्रा त और दो बिंदु, तो हम क्या यूज करते हैं इसको यहाँ प्रातः, नम, नेक्स्ट लिखते हैं अत, तब ये डॉट यूज में आते हैं। पुनः, है ना, तो ये दो, ये चंद्र बिंदु है, ये वाले, ये मात्रा यूज में आती है ना। ये तो अब हम करेंगे बच्चों नोटबुक में वर्क। उससे पहले मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूंगी, जो कि आपको स्कूल में आज लेनी है। तो बच्चों, अब आपके स्मॉल जो लेटर्स हैं, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो ये जो बुक है, अभी आपकी पेंडिंग है, ये आप स्कूल में जाके ले लो। ये है आपकी कर्सिव की बुक, इसमें आप रिटन वर्क पहले करते हैं, बुक में करते हैं, उसके बाद आप नोटबुक में करते हैं। ये कर्सिव की आपकी बुकलेट है, ओके। तो ये बच्चों स्कूल में आ चुकी है, ये आज आप जाकर स्कूल में ले लो। तो बच्चों, ये मैं आपको बुक दिखाना चाहती थी, क्योंकि आप टू डेज से अभी भी आप नहीं लेने गए, ये फ्राइडे से बुक आई हुई है, और मैंने टू टाइम आपको मैसेज भी किया था, पर आपने ये बुक नहीं ली है। तो बच्चों, जाकर स्कूल में ले लीजिए। अब हम करेंगे हिंदी का रिटन में वर्क। तो बच्चों, नोटबुक में आपने करना है ऐसे, फर्स्ट पेज पर आप लिखेंगे स्वर, डेट डालेंगे, आप सभी स्वर को आप लिखेंगे नोटबुक में, जो जो आपके पेंडिंग है उसको आप सर्कल करेंगे, ई और ई,
ऋषि और अंग खाली। ये जो है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसको लिखना सीखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, और मैंने आपको यूज करने में बता दिया कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसे, ये तो आपके लिए इजी है, ऐसे ऐसे और टू डॉट। और ऐसे ही आपने बुक में भी कंप्लीट कर लेना है, मैं आपको बुक में भी बताऊंगी, आप बुक में भी कंप्लीट कर लेंगे इसको, बुक में नहीं तो हम कल कर लेंगे। ओके बच्चों, ये आपके लिए लिखने में बहुत इजी है। बस आपने ये जो लाला जी की छड़ी है, छड़ी के सामने आपने लाला जी की जो वन छड़ी है उसके सामने टू डॉट लगाने हैं। और मैंने आपको यूज में भी बता दिया कि इसको क्या क्या यूज में लाते हैं, जैसे कि प्रातः ऐसे, नम अत पुन, और भी बेटा बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको यूज में लाना होता है, तो ये भी आपके लिए स्वर जरूरी है। ये लास्ट है, इसको भी अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये है आज का आपका रिटर्न वर्क, यहाँ आप सारे स्वर लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो न्यू स्वर है उसको आप लिखेंगे, और बुकलेट में हम करेंगे कल। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्क।